नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो का पूरा जरूर देखिए ताकि आप भी इसको ठीक से समझ सकें। दोस्तों आप जानते हैं कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ही बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट के माध्यम से हमारी जो पर्सनल डिटेल चोरी कर ली जाती है, चाहे वो हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल हो, चाहे हमारी पर्सनल कुछ भी जानकारियां क्यों ना हो, क्योंकि आजकल हमारे फ़ोन नंबर भी बैंक अकाउंट से लिंक हो चुके हैं, हमारी ईमेल आईडी भी हम बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके रखते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो साइबर क्राइम बहुत ही बढ़ता जा रहा है और आपके बैंक अकाउंट से किस तरह से चोरी होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसको आप अगर करते हैं तो आप निश्चित तौर पे काफ़ी हद तक अपने पर्सनल डाटा को चोरी होने से बचाएंगे और भविष्य में भी आप इस चीज़ों से सुरक्षित रहेंगे। आपके बैंक अकाउंट वगैरह की जो भी जानकारियां हैं, आपके फ़ोन नंबर वगैरह सब आपके सुरक्षित रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी जानकारी देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अगर कोई सी भी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, यहीं पर हमें ध्यान देना है दोस्तों। देखिए प्ले स्टोर से हम जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, मान लीजिए कोई सी भी एप्लीकेशन है, हमने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। जैसे कि मैं अभी आपको एक कोई छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जैसे कि चलिए मैंने ये टॉर्च लाइट, ठीक है, मैंने टॉर्च लाइट अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1.3 MB की, सिर्फ 1.3 MB की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा डाटा जो होता है फ़ोन का पर्सनल डाटा वो किस तरह से बाहर जाता है। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए 1.3 MB की एप्लीकेशन है, मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और हम अपने फ़ोन में देखिए हमारा मोबाइल नंबर तो रहता ही है, मोबाइल नंबर हमारे बैंक के साथ लिंक रहता है। हम मोबाइल के अंदर अपने पेटीएम या बहुत सारी इस तरह की डिजिटल ऐप यूज़ करते हैं, या हम अपने मोबाइल में बैंक जो नेटवर्किंग होता है, नेट बैंकिंग उसे भी हम यूज़ करते हैं। तो यहीं से जो चोरी का जो माध्यम है यहीं से होता है। तो हमने तो अभी सिंपल एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, आपको भी पता है कि हमने एक एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर लिया जो कि सिर्फ 1.5 MB की थी, 2 MB तक भी वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब मैं बताता हूँ कि हमारा डाटा जो है इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही चोरी हो जाएगा, यानी कि जो साइबर क्राइम वाले होते हैं या इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं किस तरह से हमारा डाटा ले लेती हैं फिर वो बाहर उसको बेच देती है। अब आप देखिए मैंने इस टॉर्च लाइट को ओपन कर दिया। इस टॉर्च लाइट का क्या काम हो सकता है दोस्तों, आप जानते ही हैं इस टॉर्च लाइट का क्या काम होगा, सिर्फ और सिर्फ बैटरी फ्लैश करना, यानी कि रोशनी देना और कुछ नहीं, ठीक है। ये मैं ऑन किया और इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब मैंने इसको बैक कर लिया। अब हम इसका डाटा चेक करेंगे, इस जो ये बैटरी का जो हमने अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है तो इसके अंदर कितना डाटा है, ठीक है। अभी चलिए हम डाटा कैसे चेक करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का। तो हम पहले एप्लीकेशन में जाते हैं, सेटिंग में एप्लीकेशन मैनेजर पे जाते हैं कि किस एप्लीकेशन में कितना डाटा है, तो उस तरह से हम चेक करते हैं ना दोस्तों। तो इस तरह से हम आते हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पर हमें फ्लैशलाइट का ऑप्शन यहाँ पर दिख गया है। तो आप अभी देखिएगा हमने इसको जो इंस्टॉल किया था वो 1.5 MB की एप्लीकेशन थी। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए यहाँ पर ये कितने, यहाँ पर 8 MB इसके अंदर डाटा आ चुका है, 8 MB, जबकि मैंने अभी इसको कोई यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैंने टॉर्च ऑन करी थी। मतलब इन्होंने जो मेरे फ़ोन में जो मैंने पर्सनल चीज़ें डाली हुई थी, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा जो भी मैंने लिंक अपने इसके अंदर लगाए हुए हैं, तो सब कुछ इसके अंदर अब आ चुका है। तो दोस्तों अब जब हम इसको अनइंस्टॉल करेंगे यानी कि डिलीट करेंगे तो वो हम कैसे करते हैं, देखिए आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम इसको डिलीट कैसे करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को आप भी इसी तरह डिलीट करते होंगे। हम यहाँ पर जाते हैं, इसको टच करके रखते हैं और ऊपर अनइंस्टॉल जो आपको बटन दिख रहा है उसके ऊपर हम ले जाते हैं, ठीक है। पर हमें यहीं पर देखिए हम गलती करते हैं दोस्तों, हमने एप्लीकेशन डिलीट कर दी। अभी मैंने आपको दिखाया था एप्लीकेशन में कितना डाटा है हमारा, 8.5 MB, तो वो जो डाटा है वो उस एप्लीकेशन में ही है, हमने अपना डाटा उस एप्लीकेशन से नहीं डिलीट किया है। और जब हम इस तरह से एप्लीकेशन को किसी एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं तो वो डाटा हमारा उन्हीं के साथ चला जाता है, यानी कि वो हमारा डाटा यहाँ से लीक हो गया है। तो हमें सबसे पहले एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट करने से पहले करना क्या है, देखिए सबसे पहले हमें जाना है एप्लीकेशन मैनेजर के पास, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था सेटिंग में एप्लीकेशन मैनेजर होता है, आप वहाँ पर ज़रूर जाइए। वहाँ जाकर आप अपनी जो भी एप्लीकेशन आपको डिलीट करनी है आप उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब जब उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दिखेगा क्लियर डाटा, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा ही डाटा यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन डाटा जो है वो आप जानते हैं कि कितना है, क्योंकि हमने सिर्फ 1.5 MB की एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
क्लियर डाटा करना है, ठीक है। क्लियर डाटा करने के बाद, जब क्लियर डाटा हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है। ये आपको प्रोसेस हर एप्लीकेशन के साथ इस्तेमाल करना है, चाहे आप कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले डिलीट करने से पहले आपको इसी तरह से क्लियर डाटा करना है। क्लियर डाटा करने के बाद अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसको आप डिलीट कीजिएगा, तो आपका जो डाटा है वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगा, काफ़ी हद तक चोरी होने से बच जाएगा, क्योंकि आज का साइबर क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी आपको जानकारी देने के लिए कि किस तरह से आपके फ़ोन से डाटा जो चोरी होता है उससे आपके बैंक अकाउंट से भी चोरी हो सकती है, तो उस डाटा को चोरी होने से आप कैसे बचा सकते हैं एक सिंपल से तरीके से। तो एक इन्फॉर्मेशन थी, आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।